गर्मी की छुट्टियां चल रहा था। राजू गांव में अपने नाना जी के पास घूमने आया था। वो बहुत खुश था। एक दिन उछल कूद करते हुए राजू नाना जी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, नाना जी मैं बड़ा होकर एक सफल आदमी बनूंगा, क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? नाना जी बिना कुछ कहे हमें सर हिलाया और राजू को लेकर करीब की एक पौधशाला गए। वहां जाकर नाना जी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब नाना जी ने राजू से पूछा, क्या लगता है इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? राजू कुछ समय तक सोचने लगा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा को तेज धूप, आंधी तूफान और जानवरों से भी खतरा है। नाना जी ने कहा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। राजू अपने घर चला गया। नाना जी दोनों पौधों पर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 5 साल बाद राजू अपने माता पिता के साथ फिर से गांव घूमने आया। उसने अपने नाना जी को देखते ही बोला, नाना जी मैंने पिछली बार आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे तो आपने कुछ भी नहीं बताया था, इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। नाना जी मुस्कुराते हुए राजू को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। पेड़ को देखते ही राजू बोला, नाना जी मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। नाना जी ने कहा, अरे राजू पहले चलकर बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहा था। फिर नाना जी ने राजू से पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? राजू शर्माते हुए बोला, बाहर वाला पौधा। लेकिन ये कैसे संभव है, बाहर तो ना जाने उसे कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। नाना जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बाहर वाले पौधे को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से अपने भी तो फायदे हैं। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी अपनी जड़ें जितने चाहे उतने फैलाने के और अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। तुम जिस आंधी तूफानों को इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफानों ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई साधारण आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नाना जी ने कहा, बेटा राजू अब मैं जो भी बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल जरूर होगे। अगर तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम समस्याओं और खतरों के बावजूद दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होगा। राजू उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह नाना जी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। हम जिन रुकावटों को अपने जीवन का बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें जिंदगी में मजबूत और बहुत ज्यादा सफल बनाते हैं। धन्यवाद।